लेके आया हूँ RTR. RTR में एक चीज़ आपने पहले से नोटिस कर रखी है, अगर नहीं कर रखी तो फिर से बता देता हूँ, जो इसका मैन स्टैंड है, सॉरी साइड स्टैंड, वो हमेशा हटता है जब आप इसे लगाते हो. ये चीज़ आपको मैंने पहले भी मेंशन की थी. सबसे पहला पॉइंट यही निकल के आता है कि जब भी इसको रोकते हैं और स्टैंड पे लगाते हैं तो सबसे पहले ये हटता है. तो इसमें ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि जिसमें फुटप्रिंट है वो पीछे दे रखा है और ये आगे की तरफ है, और इसमें ये गियर भी है साथ में, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसको लगाने में. तो दोस्तों आप सोचोगे यार इसका रिव्यू तो पहले ही आ रखा है, अब इसका रिव्यू फिर से क्यों करें. लेकिन जो पहले रिव्यू था वो हमने किया था, क्या क्या इसमें मिलता है, क्या इसकी प्राइस है, कितनी इसकी हॉर्स पावर है, क्या कुछ मतलब चेंज किया है कंपनी ने. लेकिन अब इसका कराते हैं जिन्होंने ये बाइक परचेज की उनकी क्या राय है. तो फ्रेंड्स अब आपको मिलाना चाहता हूँ योगेश जी से, जिन्होंने ये बाइक हमारे लिए रिव्यू और माइलेज टेस्ट के लिए मतलब कहा है कि भैया इसका एक बार माइलेज टेस्ट करना है और आपके साथ आना चाहता हूँ एक वीडियो में. तो मैंने कहा ठीक है योगेश जी आ जाइए आप एक साथ, आपके साथ वीडियो बनाते हैं. तो अब बात करते हैं इस बाइक की. तो योगेश जी मैं आपसे पहले पूछ, तो योगेश जी आपने ये बाइक क्यों ली, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे देखा जाए तो. इसके इसी सेगमेंट में आपको पल्सर मिलती है, जिक्सर मिलती है, अभी हॉर्नेट जिसका एक नया मतलब फेस लिफ्ट आया है, एक्स ब्लेड है, तो आपने इसी क्यों चुना. सर ये कुछ बाइक ऐसी है कि इसका मेरे को पिकअप भी अच्छा लगा, एक बार मैंने चलाई भी ली 160 बोली, जब से मैंने देखा कि ओल्ड मॉडल था मेरे को वो लेना था पर मेरे को वो अच्छा नहीं लगा. जब ये न्यू मॉडल आया जब उसको कहा एक बार ये भी लेके देखे, वो पुरानी वाली तो अपन ने चला ली. और इसमें एक यूनिक चीज़ क्या लगी उसका मतलब, जो ऐसे देखा जाए ना तो वो थोड़ी नॉर्मल लगती थी लेकिन ये थोड़ी स्पोर्टी वाइज भी लगती है. जैसे आप इसके फिन्स देख सकते हो, ये जो रेसिंग जो फ्लैग होता है उसकी तरह दे रखे हैं. और दूसरा आप देखो जो तो जो यहाँ पर जो कलर टच दे रखा है, मतलब यहाँ पर आपको वैसे इसका आप कलर भी देखना चाहो तो यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलती है, साथ में आपको सिल्वर भी मिलता है. तो कोई ना कहीं आपको लुक वाइज भी अच्छा लगा कि हाँ यार लुक में देखा जाए तो सबसे हटकर भी दिख रही है. सर इसका लुक कुछ ऐसा, इसको आगे से देखेंगे तो अभी अच्छी लगती है. इसका टैंक भी कुछ अलग पैटर्न हो गया है, मतलब उस वाले पैटर्न से काफी अलग हो गया है. बैक साइड जैसे फिन्स देखे जाए ना तो बाकी सब में लगाया जाता है लेकिन इसमें इसके टंकी से अटैच है. और उसका नाम भी कुछ यहाँ पे आता है, इसका 3D लोगो मिल जाता है. ये भी कंपनी का अच्छा खासा लोगो मिलता है. और इसका टैंक भी काफ़ी अच्छी डिजाइन दी हुई इसमें. अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो कैसी है. वो भाई एकदम अच्छी, इसके ब्रेक की ब्रेक भी क्वालिटी एकदम अच्छी है, आगे वाली थोड़ा पीछे वाला भी पहिया मतलब अच्छा है. ब्रेक इतना खास नहीं है, पीछे वाला भी मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा. फ्रंट ब्रेक भी एकदम अच्छा है. जब मैंने एक बार राइड की थी जब मेरे साथ घटना घटी थी, एक पल्सर वाला आ रहा था उसके आगे डॉगी आ गया था तो उसने एकदम से ब्रेक मार दिया, तो मेरी भी गाड़ी 70-80 की स्पीड में थी तो मैंने भी दोनों ब्रेक एक साथ मारे तो आगे वाला पहिया टेढ़ा हो गया और वहीं के वहीं जाम हो गई गाड़ी. मतलब ब्रेकिंग देखी जाए तो काफ़ी अच्छी है. और अगर पिकअप वैगन बात की जाए, मतलब आप एकदम हाईवे पर जाते हो 80-90 की स्पीड में चलाते हो तो कैसा परफॉर्म करती है. ये है ना गाड़ी उठती है ना तो फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में अच्छी उठ जाती है. जब इसको चौथे गियर में अपन उठाने चलते हैं ना तो इतनी में पिकअप करती, फिर इसको सेकंड में लेके आओ फिर इसको पिकअप चलाओ जब ये पिकअप चल जाती है. और वाइब्रेशन कैसा है इसका. वाइब्रेशन ये है ना 100 से ऊपर जाते थोड़ी वाइब्रेट करना लग जाती है. RTR में पहले एक ही चीज फोल्ड था इसका, वो था इसका वाइब्रेशन. सब कहते थे यार RTR गाड़ी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा, लेकिन इसका वाइब्रेशन वो है. इसका वाइब्रेशन मेरे को तो कम ही फील हुआ. मैंने काफी चलाई है इसको, 1500 किलोमीटर चला ली है बस सर्विस को चला ली. इसका वाइब्रेशन मेरे को इतना नहीं लगा, 100 से ऊपर चढ़ाते फिर थोड़ा बहुत वाइब्रेशन. और इसमें आपको एक चीज़ और देखने को मिलती है, डबल डिस्क भी आपको मिलता है तो ब्रेकिंग तो अच्छी है. जैसे कि आपने बताया आपके साथ एक छोटी सी घटना हो गई थी उसमें काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग इसकी पावर इसको आपको लगी अच्छी लगी. और दूसरी बात देखी जाए तो पावर तो इसकी अच्छी होनी है क्योंकि 160cc में सबसे ज़्यादा BHP मिलती है क्योंकि इसकी जो BHP है 16.5. तो इस हिसाब से इसका पिकअप तो और अच्छा होना ही है क्योंकि 160cc में अभी कोई वैसे यामा काफ़ी अच्छी पावर देती है, यामा की बाइक्स है वो भी, लेकिन उसको अलावा उसको छोड़ कर ये 160cc में काफ़ी अच्छी पावर देती है. और इसकी आप प्राइस पॉइंट की बात करते हैं तो आपने इसे कितने में परचेज किया है. मैंने इसको 115,000 में फाइनेंस करी. इन्होंने मतलब फाइनेंस करी है मतलब किस्तों में लिए तो इनको 115,000 में इनके पड़ेगी. मतलब अगर आप अगर फाइनेंस करा तो एक टाइम पीरियड बताएं कि आप मतलब किस्तें कितने टाइम तक रखते हो तो उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर आप इसे ऑन कैश लेना चाहते हो तो इसकी प्राइस थोड़ी अलग होगी.
सीट कंफर्ट के बारे में पूछूं तो मैं, वो आपको कैसा लगा? भाई सीट इसकी एकदम कंफर्ट है, इसमें ये है कि दो सवारी से ज़्यादा अपन नहीं बैठ सकते, अगर थर्ड सवारी बैठेंगे तो वो स्लिप हो के पूरा अपने आगे आ जाएगा, इसका जैसे ब्रेक मारते वो अपन के ऊपर। अगर फर्स्ट सीट देखी जाए तो ये काफ़ी लॉन्ग दे रखी है जो आप देख सकते हो, लेकिन जो सेकेंड है वो थोड़ी छोटी है, और कोई बीच में बैठ जाए तो आगे ही आ गया, ऐसे लाइन टाइप है इसकी, थोड़ा बहुत सवारी से ज़्यादा। और इसके गैस शिफ्टिंग कैसे ली? इसमें वैसे सिंगल गैस शिफ्टर दे रखा है, आपको कौन सा अच्छा लगता है, सिंगल या डबल? काफ़ी लोग कहते हैं कि भैया मतलब सिंगल जो होती है उस ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बार बार निकालना। अच्छी नहीं होती थी इसकी, अब ये सर्विस करेंगे जब कंपनी में कंप्लेंट की अब अच्छी होती है शिफ्टिंग इसकी। मतलब कोई मेजर इशू नहीं था, छोटा मोटा इशू था। अगर आप मतलब व्यूअर्स को देख कर मतलब ये मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहोगे कि अगर इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो आपकी क्या राय होगी? सर मेरे हिसाब से तो गाड़ी बहुत अच्छी है चलने में, हर गाड़ी में छोटी या बड़ी तो खूबी होती है, भले कितनी बड़ी गाड़ी ले ले कितनी छोटी गाड़ी ले ले गाड़ी चलने में एकदम अच्छी है, पिकअप भी इसका अच्छा है। एक है ना जो मतलब आपकी मैं बात नहीं कर रहा, मेरा एक सब्सक्राइबर है ठीक है, वो अभी सोच रहा था मैं RTR 4 भी लूँ या पल्सर जो UG5 को लूँ, तो उसमें ये कन्फ्यूजन था कि पल्सर में जो आगे वाला वाइजर हो डेफिनेटली आप ज़्यादा यूज़ करोगे ऑफ रोडिंग में तो आगे वाला हिलेगा, वो मेरा भी हिला, इसमें क्या वो प्रॉब्लम आ रही है क्या? इसमें तो अभी तक नहीं हिला है। मतलब आप ऑफ रोडिंग होगा तो सिटी में यूज़ करते? नहीं ऑफ रोडिंग की थी मैं, ओम बनना गया था। मतलब एक चीज है कि जो आगे वाला एक तो ये छोटा दे रखा है ठीक है, प्लस इसमें जो ज्यादा बहुत सारी चीजें नहीं डाल रखी है तो ये वाइब्रेट वगैरह नहीं होता है। काफी लोग जानना चाहते थे कि ये आगे वाला पोर्शन ये वाइब्रेट होता है नहीं होता है, तो ये नहीं होता इतना, अगर होता भी होगा लेकिन उनके ऑफ रोडिंग नहीं की और मैंने भी इसके ऑफ रोडिंग नहीं किए तो इस बारे में कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन नहीं होता है ऐसा है जैसा है। अगर इसकी लाइट की बात की जाए तो इसके अगर लाइट की बात की जाए अगर देखा जाए तो अभी जो नए मॉडल आए हैं कंपनियों के बाइकों के तो उनमें सब में आपको कहीं ना कहीं LED देखने को मिलती है, लेकिन इसमें अभी तक हेलोजन बल्ब देखने को मिलता है, तो इसकी लाइट कैसी है? मतलब लाइट इसकी मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मैंने हाईवे पे भी परफॉर्मेंस किया पर इसकी लाइट मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसको हाई पे रखते हैं लो भी रखते हैं पर इसकी लाइट इतनी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा लाइट भी लगवा रखी है, इसलिए इन्होंने एक्स्ट्रा फॉग लैंप भी लगा रखे हैं। तो योगेश जी थैंक यू, और इन्होंने काफ़ी सारी अच्छी बातें बताई है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे हमारे जो कैमरे के सामने आते हैं नए लोग तो थोड़ा नर्वस हो जाते हैं या कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं, कभी मैं भी कर देता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, नर्वस नहीं होता हूँ लेकिन थोड़ी बहुत लाइनें वगैरह यहाँ ऊपर नीचे हो जाती है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, फर्स्ट बारी में इतना अच्छा परफॉर्म किया तो काफ़ी अच्छा लगा वो मुझे, तो अगर आप यूट्यूबर बनना चाहो तो बन सकते हो। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, तो थैंक यू दोस्तों। और अभी जो एक बेल आइकन वाला एक नया सिस्टम आया है वो भी आपको बता देता हूँ क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही आप बेल आइकन को दबाते हो तो नीचे एक ऑप्शन आता है, तो उस ऑप्शन को आप क्लिक करके इसको ऑल पर सेट करना पड़ेगा तभी आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, नहीं तो आपको नहीं देखने मिलते। तो कुछ लोगों के था कि यार भाई आपके जो न्यू वीडियो आते हैं उनके नोटिफिकेशन हमको आती नहीं है, तो उसमें जाके आप चेंज कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे जल्दी।